हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो आज आपको दिखाएंगे जो 3 फेज का मीटर है वो कैसे कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले, आप हमारा चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा 3 फेज का सप्लाई है। तो ये इनपुट है RYB और न्यूटर, और एक MCB लगा हुआ है, ये डायरेक्ट आके NCB में कनेक्ट हुआ है। उसके बाद उसका जो आउटपुट है, आउटपुट ऊपर से आके हमारा जो 3 फेज का जो मीटर है उसमें कनेक्ट हुआ है। तो उसमें कैसे हम कनेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है मीटर में, NCB में मीटर में आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट आप लोग देख पा रहे हैं, पहले जो रेड फेज है वो हमारा इनपुट है, रेड इनपुट। और उसके बाद जो साइड में है वो रेड आउटपुट। इसी तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि पहले रेड में रेड इनपुट और रेड आउटपुट, बाद में योलो इनपुट योलो आउटपुट, बाद में ब्लू इनपुट ब्लू आउटपुट, और लास्ट में ब्लैक इनपुट और ब्लैक आउटपुट। इसी तरह से जो मीटर है वो कनेक्शन करते हैं आप लोग, मतलब मोटर में जैसे कनेक्ट होता है, रेड YB इनपुट लगा देना है, बाद में रेट YB आउटपुट निकल देना है। ये नहीं है, इसमें इसमें कनेक्ट करना है रेट इनपुट रेट आउटपुट योलो आउटपुट और ब्लैक इनपुट ब्लैक आउटपुट। जो हमारा जो आउटपुट है वो हम इस NCB में कनेक्ट कर दिए। इसी तरह ये NCB में आउटपुट जो सप्लाई है वो चला गया दूसरा, मतलब कि जो भी चीज़ आप बाहर में लगाना है, मतलब कि कुछ चीज़ चलाने के लिए, तो हम इसी तरह ये जो हमारा मीटर है इसी तरह हम कनेक्शन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज इतना।